नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एवं आपका परिवार सभी सुरक्षित होंगे। और आज की इस वीडियो के थ्रू इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ रीसेंट अपडेट्स जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं क्या क्या अपडेट्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, यानी कवरेज क्या क्या है। चेंजेस इन ITR फाइलिंग डेडलाइंस एंड ITR फॉर्म्स, चेंजेस इन असेसमेंट कंप्लीशन डेडलाइंस, चेंजेस इन टीडीएस रेट्स, चेंजेस इन विवाद से विश्वास स्कीम, रीवैम्पिंग ऑफ फॉर्म 26S एंड न्यू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ट्रस्ट। इन बिंदुओं से संबंधित कुछ मुख्य बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो देखिए सर, सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने है वो है चेंजेस इन ITR फाइलिंग डेडलाइंस। ITR फाइलिंग की जो डेडलाइंस है, आप सबको ऑलरेडी पता है सर कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए जो ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसे सरकार ने बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दिया था। यानी आज भी मैं ये यदि कहूं तो इरेलेवेंट नहीं होगा कि किसी असेसी ने असेसमेंट ईयर 19-20 की अपनी रिटर्न नहीं भरी तो वह असेसी आज भी असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए अपनी ITR भर सकते हैं। रही बात सर असेसमेंट ईयर 20-21 के ITR के लिए, यानी जो अभी अभी फाइनेंशियल ईयर 19-20 खत्म हुआ है, उसकी ITR की ड्यू डेट नॉर्मल असेसीज के केस में 31 जुलाई और बाकी टैक्स ऑडिट के असेसीज के केस में 30 सितंबर एक्सपेक्टेड रहती है। लेकिन इस बार सर जो ड्यू डेट है वो बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यानी COVID-19 के सिनारियों में जो हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न थी वो बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 हो गई है। तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है अपने रिटर्न संबंधी डेटा को कोलेक्ट करने का और रिटर्न के लिए तैयारी करने का। साथ ही दोस्तों, टैक्स ऑडिट जिन असेसीज के केस में एप्लीकेबल है, वहां टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट भारत सरकार ने 30 सितंबर से बढ़ाकर के 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की है। ITR फॉर्म्स के संबंध में एक अच्छी सूचना यह है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए भारत सरकार ने 31 मई 2020 को ITR फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं। सभी ITR फॉर्म्स नोटिफाइड हो चुके हैं एज ऑन डेट सर, यानी ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक। हालांकि इनकी जो XML फाइल आती है जिसके अंदर हम लोग ऑनलाइन ITR फिलअप करते हैं या सॉफ्टवेयर में भरते हैं, वो अभी आना बाकी है। यहां दोस्तों ITR फॉर्म्स आपके सामने रख रहा हूं कि कौन कौन से ITR फॉर्म हैं। लगभग वही हैं जो पिछले साल भी थे, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं है। एसएससी की कैटेगरीज भी सेम है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर है जो इन ITR फॉर्म्स के थ्रू मांगी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार आपके सामने ITR फॉर्म्स को रखता हूं। ITR 1 जिसको कि सहज फॉर्म भी कहा जाता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल है, लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इसको नहीं भर सकते और उस असेसी की टोटल इनकम भी सर 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है, इफ यू आर एन इंडिविजुअल एज वेल एज डायरेक्टर इन अ कंपनी और होल्डिंग अनलिस्टेड शेयर, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ITR फॉर्म 1 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू। एज फार एज ITR 2 इज कंसर्न सर, वो सभी इंडिविजुअल एंड HUF के लिए उपलब्ध है, लेकिन जिनकी बिजनेस इनकम है सर वो ऐसे ITR 2 को नहीं भर सकते। ITR 3 सर सभी इंडिविजुअल HUF के लिए उपलब्ध है जिनके पास में बिजनेस इनकम है, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, 50 लाख से ऊपर की आय है, कम की आय है, लेकिन दे हैव इनकम बाय वे ऑफ बिजनेस। देन वी हैव ITR 4 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ITR सुगम। नाउ दिस ITR सुगम कैन बी यूज बाय रेजिडेंट असेसीज हु आर आइदर इंडिविजुअल HUF और अ पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP एंड हु हैव टोटल इनकम अबव रूपीज 50 लाख एंड हैविंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD AE ADA, जिसको हम प्रिजम्प्टिव इनकम बोलते हैं सर। साथ ही साथ सर वो व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर्स का होल्डर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सर आपको ITR 3 फिलअप करनी पड़ेगी। ITR 5 सर ऐसे सभी व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल HUF और कंपनी के अलावा है और जिनके ऊपर ITR 6, ITR 7, ITR 3, 4 वगैरह एप्लीकेबल नहीं होती, वो सब इस कैटेगरी में कवर्ड आएंगे। ITR 6 सर जैसा कि हमेशा होता है कॉर्पोरेट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसे कॉर्पोरेट्स जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 11-12 में एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, उनके लिए ITR 6 नहीं ITR 7 एप्लीकेबल होगा। ITR 7 ऐसे सभी करदाता जो सेक्शन 139(4A) 4B, 4C जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जम्प्ट इंस्टीट्यूशन, उनके केस में दोस्तों ITR 7 एप्लीकेबल होगा।
फॉर्म्स में सर क्या मुख्य चेंजेस आए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। आईटीआर फॉर्म्स स्पेसिफिकली दे आर नाउ आस्किंग फ्रॉम द टैक्स पेयर हैव यू पेड ओवर ₹1 लाख टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज सर पिछले बजट के थ्रू ये अमेंडमेंट लॉ में आया था कि ऐसे व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा जिनका 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल का टोटल 1 लाख से ऊपर है। तो यहाँ भारत सरकार पुष्टि करा रही हैव यू डिपॉजिटेड ₹1 करोड़ और मोर इन द बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हैव यू इनकर्ड ₹2 लाख और अबाउ ऑन फॉरेन ट्रेवल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड देर इज ऑल्सो अ सेपरेट स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द पीरियड अप्रैल 2020 टू जून 2020। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण है सर क्योंकि जनरली ATC के इन्वेस्टमेंट या और भी जो डिडक्शन हम क्लेम करते हैं चैप्टर 6A के अंदर उनके लिए डेडलाइन 31 मार्च ही थी, लेकिन COVID-19 के चलते भारत सरकार ने ड्यू डेट बढ़ा करके 30 जून कर दी। तो इसलिए आईटीआर फॉर्म में स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या आपने अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट किए हैं। यदि हाँ तो सर आपको उनको वहां पर क्वांटिफाई करके देना है। असेसमेंट कंप्लीशन की जो डेडलाइंस है सर उनको भी भारत सरकार ने बढ़ाया है। और ये जो असेसमेंट कंप्लीशन की ड्यू डेट्स हैं सर, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको हम 143(3) या 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी मैं कह सकता हूं, उसके लिए पहले डेट थी सर 30 सितंबर 2020, उसको बढ़ा करके अब 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। यानी अगर कोई पेंडिंग असेसमेंट है असेसमेंट ईयर 18-19 का जिसकी कट ऑफ डेट पहले 30 सितंबर 2020 थी, वो सर अब 31 दिसंबर तक पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए सर असेसमेंट की कट ऑफ डेट पहले 31 मार्च 2021 थी, उसको भी बढ़ा करके सर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। टीडीएस रेट के बारे में सर आपको ऑलरेडी जानकारी है कि भारत सरकार ने विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2020 रेजिडेंट असेसीज एक्सेप्ट सैलरी पेड केसेस को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह ये यहां पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कमीशन, LIC प्रोसीड पेमेंट, रेंटल पेमेंट, परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ सेक्शंस लिखे हैं सर, और इन सब में आप देखेंगे तो TDS की रेट सर 25-25% सब जगह कम कर दी गई है। तो दिस इज अ चेंज विच इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 14th of May 2020। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में 10% की रेट 7.5, इसी प्रकार से 194 में भी 10 की जगह 7.5। सो हर जगह सर 25-25% रेट ऑफ TDS में रिडक्शन भारत सरकार ने किया है। विवाद से विश्वास स्कीम सर जिसको कि ओरिजिनली 31 मार्च 2020 तक के लिए किया गया था, बाद में उसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक ले गए और अब भारत सरकार ने फाइनली विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 कर दी है। यानी अगर आपका कोई केस 31 जनवरी 2020 को CIT अपील, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है तो आप सर इस स्कीम का लाभ 31 दिसंबर 2020 तक भी उठा सकते हैं। रीवैम्पिंग ऑफ फॉर्म 26AS, ये सर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। क्यों? क्योंकि फॉर्म 26AS अब तक जो हमारे टैक्स लायबिलिटीज के डिडक्शंस हैं या डिपॉजिट है जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस टैक्स, TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह को ही बता रहा था, या हमने किसी से प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में TDS काटा या किसी ने हमारे से TDS काटा, लेकिन अब सर 26AS को क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव बनाने जा रही है भारत सरकार। और भारत सरकार ने फॉर्म 26AS के अंतर्गत कुछ नई सूचनाओं का भी समावेश करने का फैसला किया है। जैसे कि आपके अगेंस्ट में यदि कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो भारत सरकार की नजर में है, ये सब भी सर अब फॉर्म 26AS का हिस्सा होंगे। और ये जो पर्टिकुलर 26AS है सर वो आप कहीं पर लोन वगैरह लेने जा रहे हैं तो वहां पर भी सर जो लेंडर है वो भी उन पर्टिकुलर सूचनाओं को दे सकता है कि क्या इस असेसी के अगेंस्ट में कोई एग्जिस्टिंग डिमांड तो बकाया नहीं है। तो उस प्रकार से सर 26AS में काफी चेंजेस किए गए हैं। मैं इन पर्टिकुलर चेंजेस को एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको विदित है सर, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट के केसेस में जिनको ऑलरेडी 12A 12AA का रजिस्ट्रेशन प्राप्त था, ऐसे ही ATG का रजिस्ट्रेशन प्राप्त था, या जो ट्रस्ट इस प्रकार से एक एप्लीकेशन करना चाह रहे थे उनको सर 1 जून 2020 से
तीन महीने की एक अवधि दी गई थी नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाने के लिए, वो डेट सर 1 जून 2020 से बढ़ा करके 1 अक्टूबर 2020 कर दी गई है, यानी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपको उस नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और यदि आपके इनकम टैक्स रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको उनका समाधान पहुंचाने की कोशिश करूं। धन्यवाद। जय हिंद।